हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप देख सकते हैं आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही यूनिक टाइप का स्टेशनरी कलेक्शन का वीडियो लेकर आया हूं। गाइस आप देख सकते हैं मेरे सामने यहां पर रखे बहुत यूनिक यूनिक टाइप के, बहुत ही प्यारे, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही डिजाइनर स्टेशनरी आइटम। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं डोरेमन वाला बहुत ही प्यारा स्टेशनरी किट है, यहां पे इरेजर वाला किट है, यहां पे देखो बहुत ही प्यारा ज्योमेट्री बॉक्स है, यूनिक डिजाइन वाले पेन है, यहां पे अप्सरा की पेंसिल के बॉक्स है, यहां पे आप देख सकते हैं स्पाइडरमैन वाला एक गैजेट है, यहां पर आप देख सकते हैं गाड़ी वाला है, एक और गाड़ी वाला, एक स्पिनर यहां पर रखा है और एक स्लाइम की बॉटल रखी है। तो काफी यूनिक टाइप की चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला, जो कि आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। सो इतनी सारी चीजें, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक भी चीज मिल जाए उसका नाम आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं लगातार आपके लिए बनाता रहता हूं। सो गाइस वन बाय वन मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना। सो गाइस सबसे पहली चीज जो है गाइस ये देखो, हमारे पास यहां पर एक बड़ा सा कुछ इस तरह का जिराफ, ये देखो इसका पहला फेस देखो, बिल्कुल जिराफ जैसा इसका फेस है, इसका डिजाइन भी जिराफ जैसा बनाया गया। बट गाइस जो ये पेन, मतलब जो ये चीज है, ये एक्चुअल में एक पेन है। इसको अगर हम यहां से ओपन करेंगे तो गाइस ये देखो, इसको आप एक नॉर्मल पेन की तरह यूज कर सकते हो, है ना। बट गाइस जो इसका डिजाइन है वो सच में काबिले तारीफ है। ये देखो, इसको आप कुछ इस तरह से स्टैंड भी कर सकते हो, और जैसे जिराफ की गर्दन होती है ना लंबी, सेम उसी तरह से इसकी भी गर्दन लंबी बनाई गई है, और काफी प्यारा यह दिखाई दे रहा है। और गाइस ये जो डिजाइनर पेन होते हैं काफी कॉस्टली होते हैं, तो गाइस आपने कभी डिजाइनर पेन यूज किया तो कॉमेंट में बताना कि इसका प्राइस कितना था। और इसके बाद गाइस ये देखो, हमारे पास है यहाँ पर एक कुछ इस तरह का बर्ड, ये देखो इसकी चोंच आप देख सकते हैं, पूरी बॉडी आप देख सकते हैं बर्ड जैसी दिखाई दे रही है। और गाइस ये भी एक पेन है, आप इसको कुछ इस तरह से स्टैंड भी कर सकते हैं, देखो ऐसे ये खड़ा भी हो जाता है। बट गाइस आप देख सकते हैं कितना सुपर कूल ये दिखाई दे रहा है। और अगर हम इसको यहां से ओपन करेंगे तो गाइस ये देखो, इसको आप पेन की तरह यूज कर सकते हो, काफी क्रेजी चीज है गाइस। और जो इसके पेन की क्वालिटी होती है ना वो भी बहुत ज्यादा औसम होती है, और ये कितना प्यारा दिखाई दे रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। और सेम इसी तरह से गाइस ये देखो, हमारे पास है यहां पर एक आइसक्रीम कोन, ये देखो ये पूरा का पूरा आइसक्रीम कोन है, और यहाँ पे इसके ऊपर ऑरेंज, स्काई ब्लू, येलो और पर्पल कलर की आइसक्रीम लगी हुई है ना। और गाइस मैं आपको बता दूं, अगर हम इसको यहां से ओपन करेंगे तो गाइस ये भी एक पेन है। इसका डिजाइन आप देख सकते हैं बिल्कुल यूनिक डिजाइन है, जितने पेन मैंने अभी तक दिखाए हैं आपको बहुत ज्यादा क्रेजी पेन है ना। और जो इनका डिजाइन है, ऐसे डिजाइन बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। और जो कैप है ना, ये यहाँ से खुलती नहीं है, खुल गई गाइस ये देखो, इतना ही खुलता है बस ये। इसको आप वापस से इसके ऊपर लगा के इसको आइसक्रीम कोन बना सकते हैं, और यहां से आप इसको पेन की तरह यूज कर सकते हैं, काफी प्यारी चीज है ना। और इसके बाद गाइस मैं आपको दिखा दूं, हमारे पास है यहां पर एक कुछ इस तरह की प्यारी सी कार, ये देखो पहले आप इसके कलर कॉन्ट्रास्ट देखो, है ना। यहाँ सुपर कार 569 लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ही बड़ा बड़ा 569 लिखा हुआ है। और ओवरऑल आप देख सकते हैं कैसा ये दिखाई देता है। और गाइस मैं आपको बता दूं, ये कार जैसी दिखने वाली चीज एक्चुअल में मेटल की है, ये देखो फुल मेटल की बॉडी इसकी बनी हुई है ना। और अगर हम इसको यहां से ओपन करेंगे तो गाइस ये देखो, ये बन गया है ज्योमेट्री बॉक्स। आप देख सकते हैं इस ज्योमेट्री बॉक्स में नीचे बहुत ज्यादा स्पेस है, यहां पर एक ट्रे लगी है, यहां पर एक ट्रे लगी है, यहां पर 1 से 9 तक टेबल भी लिखा हुआ है। और जो ये वाली ट्रे है इसको आप कुछ इस तरह से स्लाइड करके स्टैंड कर सकते हैं, देखो यहां पे अगर आप अपनी बुक वगैरह खड़ी करने चाहो तो खड़ा कर सकते हो, आप स्टडी के लिए इसको बहुत आराम से यूज कर सकते हो। और तो और गाइस जब इसको बंद करते हैं तो ये कार बन जाती है, ये देखो। और ऐसे आप इसको ओपन करोगे तो गाइस ये देखो इसकी पूरी बॉडी कैसे ओपन होती है, देखो यहां पर कुछ इस तरह से लॉक लगे हुए हैं जो इसकी बॉडी को ओपन करते हैं, और ये पूरा ज्योमेट्री बॉक्स ओपन होने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देता है, काफी क्रेजी है ना। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये आपको 150 रुपीज के आसपास मिल जाएगा कार डिजाइन वाला ज्योमेट्री बॉक्स। बट इसके अंदर ना कोई सामान नहीं आता है, सामान आपको अपना खरीदना पड़ेगा। सो गाइस इसको मैं यहां पे रख लेता हूं। और इसके बाद गाइस ये देखो, हमारे पास है यहां पर एक मेरी क्रिसमस वाला प्यारा सा गैजेट, ये देखो यहां पे मेरी क्रिसमस लिखा है, और इसके अंदर एक छोटा सा टॉय है। इसको मैं बाहर निकाल के आपको दिखाता हूं ये एक्चुअल में क्या है, ये देखो इसको मैंने निकाल लिया बाहर। और गाइस ये देखो, वाओ कितना क्यूट सा दिखाई दे रहा है ना। और गाइस मेरी क्रिसमस इसके ऊपर लिखा है, यानी कि एक डियर हो सकता है, जो जिसके ऊपर सेंटा क्लॉज आते हैं ना बैठ के, जो उस गाड़ी को चलाते हैं डियर्स, वो है गाइस ये हिरन, है ना। और गाइस मैं आपको बता दूं, ये एक 2-in-1 चीज है, यहां पे आप देख सकते हैं इसके नीचे शार्पनर लगा हुआ है, यहां से पेंसिल डालोगे तो ऐसे करके पेंसिल को शार्प कर सकते हो। और जो इसकी ओवरऑल बॉडी है गाइस, ये पूरी की पूरी बॉडी ना इरेजर है, इससे आप कुछ इस तरह से पकड़ के पेंसिल का लिखा हुआ इरेज कर सकते हो, यानी कि शार्पनर और इरेजर का बहुत ही प्यारा सा कॉम्बो है। ये आपको 30 रुपीज के आसपास मिल जाएगा, है ना। डिजाइन के हिसाब से इसका प्राइस कम ज्यादा हो जाता है। तो इसको गाइस मैं बंद कर लेता हूं और इसको मैं यहां पे रखता हूं। और हमारे पास है यहां पर कुछ इस तरह का एक प्यारा सा कॉम्बो, यह है गाइस शार्पनर और इरेजर का बहुत ही प्यारा कॉम्बो। जैसे कि देखो मैंने इसको यहां से ओपन किया तो इसके ऊपर यहां पे इरेजर लगी हुई है, यहां से आप पेंसिल का लिखा हुआ इरेज कर सकते हैं। और अगर आप इसको यहां से ओपन करेंगे नीचे से तो गाइस इसके अंदर लगा हुआ है शार्पनर,
ये देखो बहुत ही प्यारा क्यूट सा शार्पनर लगा हुआ है इसके अंदर, है ना, मजा आ गया गाइस। तो यहां से पेंसिल डाल के आप पेंसिल को शार्प कर सकते हैं, इसको ऐसे निकाल के कचरे को आप बाहर निकाल सकते हैं, है ना, और यहां से आप पेंसिल का लिखा हुआ इरेज कर सकते हैं। कितनी क्रेजी चीज है ये, आपको 20 रुपीज में मिल जाएगा। इसको मैं यहां पर रख लेता हूं, और इसके बाद गाइस जब मैं आपको दिखाता हूं डोरेमोन वाला एक बहुत ही प्यारा स्टेशनरी आइटम जिसके अंदर आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलेगी। देखो यहां पर डोरेमोन लिखा हुआ है, डोरेमोन यहां पर भी लिखा हुआ है, और जितनी भी चीजें प्रिंट है इसके अंदर उसके सबके ऊपर गाइस डोरेमोन का प्रिंट है, मतलब जो भी चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी सब डोरेमोन प्रिंट वाली होगी। तो पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूं, ये देखो मैंने इसको ओपन कर लिया, और इसकी पूरी बॉडी आप देख सकते हैं यहां पे पूरी डोरेमोन की टीम बनी हुई है ना। अब मैं इसको ओपन करता हूं गाइस, ये देखो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है ये सब, वाओ बहुत ही अमेजिंग लग रहा है गाइस, है ना। अब मैं आपको सारी चीजें दिखाता हूं। सबसे पहले गाइस ये देखो हमें इसके अंदर देखने को मिलता है एक स्केल जो कि डोरेमोन वाले प्रिंट में आता है, और गाइस इसको आप कितना भी बेंड कर ले टूटता नहीं है, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। और ये देखो डोरेमोन डिजाइन वाली दो दो पेंसिल, है ना, और इसी तरह से गाइस इसके अंदर हमें देखने को मिलती है इरेजर, शार्पनर, और शार्पनर को पहले बाहर निकाल लेता हूँ, और एक वैक्स क्रियोन्स कलर। ये देखो ये है वैक्स क्रियोन्स कलर जो कि कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, है ना। इसके अंदर टोटल 6 कलर आपको देखने को मिलते हैं, देखो अलग अलग कलर जो कि ड्राइंग में यूज किए जाएंगे, और यहाँ पे एक शार्पनर भी है और एक इरेजर भी है ना। और साथ में इसके अंदर में देखने को मिलता है एक प्यारा सा डोरेमोन डिजाइन वाला ज्योमेट्री बॉक्स, ये देखो फुल मेटल क्वालिटी वाला ज्योमेट्री बॉक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा डोरेमोन का प्रिंट इसके ऊपर बना हुआ है। अगर आप डोरेमोन देखना पसंद करते हैं तो ये चीज आपको 100% पसंद आएगी। और सबसे अमेजिंग बात, इसके ऊपर बच्चों के लिए ए से जेड तक अल्फाबेट लिखे, मतलब अल्फाबेट लिखे हुए कैपिटल में। और गाइस ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से 9 तक टेबल भी इसके ऊपर लिखी हुई है ना। सो गाइस आप देख सकते हैं काफी प्यारा सा है डोरेमोन वाला स्टेशनरी किट जिसके अंदर आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलती है। और तो और गाइस अगर आप BTS के फैन हैं तो हमारे पास यहाँ पर BTS वाला एक बहुत ही प्यारा पाउच, देखो यहाँ पे क्या लिखा है BTS द बेस्ट। अगर आप BTS के फैन है तो कमेंट में BTS आर्मी जरूर लिखना। ओवरऑल आप इसकी बॉडी, इसका डिजाइन, कलर आप देख सकते हैं बहुत ही क्रेजी है। यहाँ पे इसके ऊपर चैन लगी हुई है, यहाँ से चैन को ओपन करेंगे तो गाइस ये देखो इसके अंदर आपको बहुत सारा स्पेस देखने को मिलता है। इसके अंदर पेन, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, पैसे वगैरह जो भी चीज आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। इसको आप पर्स की तरह भी यूज कर सकते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर काफी सारा सामान आ जाएगा, स्पेस बहुत ज्यादा है इसके अंदर, और ये आपको 100 रुपीज से कम में मिल जाएगा, है ना। और इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाता हूं हमारे पास है यहां पर कुछ इस तरह का एक प्यारा सा चाबी का छल्ला, ये देखो। और गाइस ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है लूनी टून्स एक कार्टून आता था जिसका गाइस ये कैरेक्टर था, है ना, इसका नाम था ट्वीटी। और गाइस ये बहुत ही प्यारा दिखाई देता था, आप देख सकते हैं आजकल तो शायद ये कार्टून नहीं आता है। और गाइस यहाँ पे इसको लॉक है, देखो इसको आप अपनी पैंट में लटका सकते हैं। और गाइस ये देखो एक तरह का बर्ड है ये, और कितना क्रेजी लग रहा है ना। और इसी कार्टून के अंदर एक और कैरेक्टर होता है जो कि यहाँ पर है गाइस, ये देखो रैबिट है ना। तो काफी प्यारी सी चीज है, अगर आपने इस तरह के डिजाइनर चाबी के छल्ले यूज किए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग दिखाई देते हैं तो कॉमेंट में बताना। इसका प्राइस मैं आपको बता दूं 100 रुपीज से ज्यादा इसका प्राइस होने वाला है, और ये बहुत ही प्यारा दिखाई दे रहा है, इसकी क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा उस समय। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और हमारे पास है यहाँ पर ये देखो एक 70 रुपीज की बॉटल जिसके अंदर है बहुत ही क्रेजी स्लाइम, देखो यहाँ पे क्या लिखा है न्यू प्लेयर ट्यूब स्लाइम, मतलब एक तरह की स्लाइम है इसके अंदर। तो मैं जल्दी से आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ, ये आपको 70-80 रुपीज के आसपास आराम से अवेलेबल हो जाएगी। और गाइज ये देखो ये है इसके अंदर स्लाइम, वाओ स्लाइम की कंसिस्टेंसी देखो गाइज आप, ये देखो है ना, ये देखो। और स्लाइम की सबसे अमेजिंग बात है ये आपके कपड़ों में आपके हाथ पर चिपकेगी नहीं, देखो इस स्लाइम को मैं अपने हाथ में लेके दबा रहा हूँ, ये देखो है ना, बट गाइस ये आपके हाथ में आपके कपड़ों में चिपकेगी नहीं, ये इसकी सबसे ज्यादा अमेजिंग बात है क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा औसम होती है। और इसी के अंदर ना कुछ इस तरह का एक रबर का कैरेक्टर डाल रखा है जो कि आई थिंक यूनिकॉर्न है, इसको ही मैं आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ कि स्लाइम के अंदर में क्या डाल के दिया जा रहा है 70 रुपीज के स्लाइम के बॉक्स के अंदर। ये देखो यहाँ पे गाइस कुछ इस तरह से एक यूनिकॉर्न, और गाइस ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, मैं इसको पूरा बाहर निकाल लूंगा, बस ये छोटा सा रबड़ का टुकड़ा है जो कि यूनिकॉर्न वाले पैटर्न में आता है गाइस, ये देखो है ना। तो काफी अमेजिंग है, और इसकी ओवरऑल कंसिस्टेंसी आप स्लाइम की देख सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं है, मतलब इसको अगर आप खेलोगे इसको यूज करके तो आपको बहुत मजा आएगा, और आपके कपड़े खराब नहीं होंगे, आपके हाथ खराब नहीं होंगे। तो इसको मैं जल्दी से बंद कर लेता हूं, और गाइज ये मैंने इसको कर लिया बंद, यहां पे रख लेते हैं। और इसके बाद हमारे पास है यहां पर एक स्पाइडरमैन डिजाइन वाला एक बहुत ही बड़ा ज्योमेट्री बॉक्स, इसको हम ज्योमेट्री बॉक्स भी कह सकते हैं, पेंसिल केस भी कह सकते हैं, पेंसिल पाउच भी कह सकते हैं, है ना। और इसकी पूरी बॉडी आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी की है, यहाँ पे स्पाइडर सेंस स्पाइडरमैन लिखा हुआ है, स्पाइडरमैन यहाँ पे बना भी हुआ है, और स्पाइडरमैन ना थोड़ा उठा हुआ प्रिंट में है, काफी अमेजिंग है। और यहाँ पे इसके ऊपर चैन लगी हुई है,
और ओवरऑल आप इसकी बॉडी देख सकते हैं, काफ़ी अमेजिंग इसकी बॉडी है। इसको ओपन करके इसके अंदर देखते हैं गाइज हमें क्या क्या देखने को मिलता है। ये देखो इसको मैंने ओपन किया है तो गाइज ये देखो वाओ इसके अंदर कितना ज़्यादा स्पेस है। सबसे पहले यहाँ पर एक चैन लगी हुई है, इसके अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी सारा सामान आप रख सकते हैं जो कि आपको दिखाई देता रहेगा। और यहाँ पे पेन पेंसिल कलर होल्डर लगा हुआ है, और इसके नीचे यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा स्पेस है। ओवरऑल आप देख सकते हैं कैसा ये दिखाई दे रहा है ना। और गाइस मैं आपको बता दूं ये आपको 300 रुपीज़ के आसपास आराम से ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो अमेजोन से आप खरीद सकते हैं, 300 रुपीज़ के आसपास आपको अवेलेबल हो जाएगा। मेरे पास स्पाइडरमैन वाला, डोरेमोन वाला, बेन 10 वाला सारे के सारे रखे हैं, और आपको भी अलग अलग कैरेक्टर में आज मिल जाएंगे। जो भी कैरेक्टर आपको पसंद है आप वो खरीद सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और उसकी सबसे अमेजिंग बात है गंदा नहीं होता गाइस। अगर ये गंदा हो जाए तो आप इसको वॉश कर सकते हैं, इसको क्लीन कर सकते हैं बहुत ही आराम से, इसका कलर भी नहीं जाएगा। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और हमारे पास है यहाँ पर एक और बड़ा ज्योमेट्री बॉक्स, ये देखो, जिसका डिजाइन है ट्रेन इंजन जैसा, जिसके नीचे यहाँ पर लगे हुए टायर, ये देखो 1, 2, 3 और 3, यहाँ पे 6 टायर लगे हुए हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है देखो, एक्सप्रेस लाइन है ना। और यहाँ पे कुछ इस तरह से कार्टून कैट बनी हुई है, ये देखो है ना। और गाइस ये पूरा मेटल का है, ये देखो, ये आपको 200 रुपीज़ के आसपास आराम से अवेलेबल हो जाएगा। और गाइस मैं आपको बता दूं अगर हम इसको यहाँ से ओपन करते हैं तो गाइस ये देखो इसके अंदर कितना ज़्यादा स्पेस आपको देखने को मिलता है ना, और फुल मेटल क्वालिटी में देखो। और अगर हम इसको यहाँ से ओपन करेंगे तो इसके अंदर और भी ज़्यादा स्पेस आपको देखने को मिलता है ना, कितनी अमेजिंग चीज़। और सबसे अमेजिंग बात है दो साइड से ओपन हो जाता है, ये देखो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सामान आप रख सकते हैं। और तो और गाइस इसके अंदर एक सीक्रेट स्पेस बना हुआ है, ये देखो यहाँ पे इसके अंदर आपको देखने को मिलता है शार्पनर, ये देखो यहाँ पे शार्पनर लगा हुआ है। तो पहले मैं इसको बंद करता हूँ, और शार्पनर को कैसे यूज़ किया जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो इसको आई थिंक यहाँ पे ऐसे लगाना पड़ेगा, और गाइस इसको सेट करने में थोड़ी सी मेहनत लग रही है ना। यहाँ से पेंसिल डाल के आप पेंसिल को कुछ इस तरह से शार्प कर सकते हैं, और यहाँ से खोल के कचरा आप बाहर निकाल सकते हैं। बट जो इसका डिज़ाइन है वो डिज़ाइन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, ट्रेन वाले डिज़ाइन में मेटल वाला ज्योमेट्री बॉक्स 200 रुपए के आसपास आपको ये मिल जाएगा। और सबसे क्रेजी बात है इसके टायर घूमते हैं, अगर आप इसको फर्श पे रख के ऐसे चलाओगे ना गाइज तो आराम से इसके टायर घूमते हैं गाइज, ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा है ना। और जो इसका डिज़ाइन है वो सच में क्रेजी डिज़ाइन है। इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। और हमारे पास है यहाँ पर ये देखो बहुत ही प्यारी सी 10 रुपीज़ की इरेजर, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। 10 रुपीज़ में हमें लॉर्ड गणेशा वाली इरेजर देखने को मिलती है, गणेश भगवान वाली, ये देखो गाइज कुछ इस तरह की क्यूट सी हमें इरेजर देखने को मिलती है जो कि बहुत ही प्यारी दिखाई दे रही है। 10 रुपीज़ जिसका प्राइस है, और बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो गाइज मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। 10 रुपीज़ में इतनी अमेजिंग चीज़ आपको देखने को मिलेगी है ना, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। और सेम गाइज हमारे पास यहाँ पे यूनिकॉर्न डिज़ाइन वाला एक ट्रॉली बैग, ये देखो यहाँ पे इसके ऊपर बने हुए यूनिकॉर्न अलग अलग कलर में, 3-3 यूनिकॉर्न। यहाँ पे इसके नीचे लगे हुए टायर जो कि घूमते हैं, और यहाँ पे लगा एक हैंडल जो कि कुछ इस तरह से अंदर बाहर हो जाता है ना। और गाइस ये ट्रॉली बैग बन जाता है ऐसे, इसको आप कुछ इस तरह से स्लाइड करके चला सकते हैं। और सबसे अमेजिंग बात अगर हम इसको यहाँ से ओपन करेंगे तो गाइस ये देखो इसके अंदर यहाँ पे लगी हुई है एक इरेजर, ये देखो यूनिकॉर्न डिज़ाइन वाली इरेजर है ना, मतलब यूनिकॉर्न वाले डिज़ाइन वाले पाउच के अंदर इरेजर, नॉर्मल इरेजर। और यहाँ से ओपन करेंगे तो गाइस यहाँ पे लगा हुआ है शार्पनर है ना, यानी कि पूरा का पूरा ट्रॉली बैग शार्पनर और इरेजर का बहुत ही प्यारा बहुत ही क्यूट सा कॉम्बो है। इसको गाइस आप ऐसे बंद करेंगे तो आप देख सकते हैं कितना क्रेजी ये लग रहा है ना। और गाइस हमारे पास है यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा, ये देखो ट्रक का आगे का पार्ट है ना, देखने में बहुत बड़ी गाड़ी का पार्ट लग रहा है ये। बट गाइस मैं आपको बता दूं ये बहुत ही क्रेजी बहुत ही यूनिक टाइप की बहुत ही यूजफुल चीज़ है। सबसे पहले गाइस आप ये देखो इसके टायर अच्छे तरीके से वर्क करते हैं है ना, और यहाँ पे इसके पीछे हैंडल लगा हुआ है जिसको आप कुछ इस तरह से घुमा सकते हैं। और तो और गाइस ये देखो इसके ऊपर सीढ़ियाँ लगी हुई यहाँ पे। ओवरऑल आप इसका डिज़ाइन देखो सबसे पहले कितना क्रेजी इसका डिज़ाइन है। और गाइस मैं आपको बता दूं ये ना एक शार्पनर है, नॉर्मल जो शार्पनर होता है वो इतने से साइज का होता है, बट गाइस इसका साइज देखो कितना बड़ा है मेरे हाथ में, बहुत ही बड़ा ये शार्पनर है ना। अब गाइस इसके अंदर पेंसिल कैसे शार्प करते हैं, देखो यहाँ पे छेद है, यहाँ से पेंसिल डाल के ना हैंडल को घुमाएंगे तो पेंसिल शार्प हो जाती है। तो चलो गाइस पेंसिल शार्प करके दिखाते हैं, देखो हमारे पास कुछ इस तरह की एक बड़ी पेंसिल है जिसको बिल्कुल भी अभी तक शार्प नहीं किया गया है। तो इसके अंदर पेंसिल डालते हैं, देखो यहाँ पे छेद है, यहाँ से पेंसिल को सेट करेंगे और पेंसिल अंदर जाके सेट हो जाएगी है ना। और उसके बाद हमें इस हैंडल को घुमाना है और पेंसिल शार्प होनी शुरू हो जाएगी, देखते हैं गाइस। और गाइस पेंसिल ना भी अच्छे से सेट नहीं हुई है, ये देखो अब सेट हो गई है गाइस, अब घुमाता हूँ इसको, ये देखो गाइस पेंसिल शार्प हो रही है। और चंद सेकंडों में ये पेंसिल को बहुत ही क्रेजी तरीके से शार्प कर देता है, और जब पेंसिल शार्प हो जाती है तो हैंडल स्मूथ हो जाता है। देखो अब हैंडल स्मूथ हो गया है, अब मैं इसको बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ।
ये देखो भाई, इसने पेंसिल को कितने ब्यूटीफुल तरीके से शार्प कर दिया है। वाह यार, मजा ही आ गया है ना। नॉर्मल जो शार्पनर शार्प करता है ना, उससे काफी ज्यादा अच्छा शार्प किया है। और जो कचरा है वो इसके अंदर से आप यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं गाइस। ये देखो, पहले आपको इसको ऐसे करना पड़ेगा। और यहाँ पर लगी हुई है ट्रे, सारा कचरा इस ट्रे के अंदर आ जाता है ना। तो काफी प्यारी सी चीज है। और ये शार्पनर आपको 150 रुपीज के आसपास आराम से अवेलेबल हो जाएगा। और इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास है यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैफिक इरेजर का एक बहुत ही बड़ा बॉक्स, यानी कि इसके अंदर आपको जितनी भी चीज़ें दिखने वाली हैं वो सारी की सारी इरेजर होने वाली हैं, है ना। यहाँ पे लिखा ट्रैफिक इरेजर और पूरा बॉक्स का साइज आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा बॉक्स है। और इसके अंदर हमें काफ़ी सारी इरेजर देखने को मिलने वाली है। तो जल्दी से मैं इसे ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ गाइस, आज आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। ये देखो, वाओ, कितनी सारी इरेजर हैं इसके अंदर। देखो मैं आपको काउंट कराता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, टोटल 17 इरेजर आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाली है। और सबका डिजाइन देखना आप गाइज, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। सबसे पहले गाइज ये देखो, यहाँ पे एक प्लेन, ये देखो व्हाइट कलर का प्लेन है जो कि एक्चुअल में एक इरेजर है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी अलग अलग गाड़ियां हैं, जैसे कि येलो कलर की गाड़ी है, ये भी एक इरेजर है ना। और गाइज ये देखो, यहाँ पे एक फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी है, ये देखो है ना, फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी है। और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रेन भी हमें इसके अंदर देखने को मिलती है, ये देखो, ये है जेसीबी क्रेन, मिट्टी खोदने वाली क्रेन, ये देखो खोदने वाला पार्ट ये वाला इसका दिख रहा है आपको, है ना। और इसी तरह से गाइस के अंदर सीमेंट मिक्सर ट्रक भी है गाइस, ये देखो। और ये सारी की सारी चीजें ना इरेजर हैं। और यहाँ पे इस पानी वाली बोट भी है इसके अंदर, ये देखो पानी में जो बोट चलाते ना सिंगल आदमी वाली बोट है। और यहाँ पर बाइक भी है, यहाँ पे देखो कुछ इस तरह की पानी में चलने वाली बहुत ही बड़ी बोट भी है गाइस, ये देखो, वाओ। और गाइस ये सारी इरेजर हैं, इनसे आप पेंसिल का लिखा हुआ आराम से इरेज कर सकते हैं, है ना। तो काफी क्रेजी चीज है। और यहाँ पे एक पनडुब्बी भी है, ये देखो यहाँ पे पनडुब्बी भी है। टोटल 17 इरेजर हमें इसके अंदर देखने को मिलने वाली है, जो कि काफी ज्यादा क्रेजी हैं। और गाइस लास्ट में आपको दिखा दूं, हमारे पास है भाई ये देखो एस्ट्रोनॉट डिजाइन वाला मल्टी कलर पेन। इसके अंदर आपको काफी सारे कलर देखने को मिलेंगे, जैसे कि पर्पल, ब्लैक, ब्लू, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, ये सारे कलर वर्किंग कंडीशन वाले हैं। और यहाँ पे एस्ट्रोनॉट का डिजाइन बना हुआ है ना। अगर आपने कभी मल्टी कलर पेन यूज किया तो कमेंट बताना। और गाइज आप इसको जब यूज करोगे ना आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि इसके सारे कलर वर्किंग कंडीशन वाले हैं। और गाइज आप देख सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारी अमेजिंग स्टेशनरी चीजें दिखाई हैं। इतनी सारी चीजों में से अगर आपको एक भी चीज चाहिए उसका नाम आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं लगातार आपके लिए बनाता रहता हूँ। सो गाइज मिलते हैं वीडियो में अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय गाइज।